हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। हमें पता है कि किसी भी थ्री फेज मोटर का कनेक्शन करते हैं तो हम दो तरीकों से करते हैं, या तो हम उसको स्टार कनेक्शन में जोड़ेंगे या फिर उसको हम डेल्टा कनेक्शन में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कब हम मोटर का स्टार कनेक्शन करते हैं और कब हम मोटर का डेल्टा कनेक्शन करते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। हमारी किसी भी मोटर के अंदर इस प्रकार कुछ 6 टर्मिनल होते हैं। अगर हम इसके एक साइड के तीनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर देते हैं एक मेटेलिक पत्ती की सहायता से, यानी कि एक साथ एक मेटेलिक पत्ती की सहायता से जोड़ देते हैं और बाकी के तीन टर्मिनल में L1, L2, L3 थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है। और कुछ इस तरह तीनों पत्तियों को आपस में जोड़कर इन्हीं में L1, L2, L3 सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी मोटर के अंदर तीन वाइंडिंग होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। इन तीनों वाइंडिंग का नाम हम UV और W रख देते हैं। एक वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक लास्ट का सिरा, तो हमारे पास टोटल 6 टर्मिनल हो जाते हैं। यहाँ पे हम पहली वाइंडिंग के टर्मिनल U1, U2 तथा दूसरी वाइंडिंग के टर्मिनल V1, V2 तथा तीसरी वाइंडिंग के टर्मिनल को W1, W2 नाम दे देते हैं। अभी जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो तीनों वाइंडिंग के एक तरफ के सिरों को U2, V2 एंड W2 को आपस में मेटेलिक पत्ती की सहायता से शॉर्ट कर देते हैं और इन तीनों वाइंडिंग के प्रथम सिरे U1, V1, W1 को हम L1, L2, L3 सप्लाई देते हैं, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है। जब मोटर में थ्री फेज 440 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो स्टार कनेक्शन में हर वाइंडिंग में 220 वोल्ट जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी दो फेज के मध्य दो वाइंडिंग कम मिली गई हैं, तो अप्लाई वोल्टेज दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। अभी हम देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब हम जब डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह तीनों वाइंडिंग को सीरीज कनेक्शन में शॉर्ट करते हैं। पहले वाइंडिंग के U2 टर्मिनल को दूसरी वाइंडिंग के V1 टर्मिनल से, दूसरी वाइंडिंग के V2 टर्मिनल को तीसरी वाइंडिंग के W1 टर्मिनल से, तीसरी वाइंडिंग के W2 टर्मिनल को पहली वाइंडिंग के U1 टर्मिनल से एक मेटेलिक पत्ती की सहायता से कनेक्ट करते हैं तथा तीनों पेयर में एक एक सिरे पर L1, L2, L3 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई देंगे, तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। मोटर में डेल्टा कनेक्शन में एक वाइंडिंग पर 415 वोल्ट मिलता है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो वाइंडिंग के अंदर दो फेज जा रहे होते हैं, इस वजह से डेल्टा कनेक्शन में स्टार्टिंग करंट हाई होता है। अभी हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, स्टार कनेक्शन में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, बल्कि डेल्टा कनेक्शन में हमें न्यूट्रल पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। नंबर 2, स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन की बजाय कम करंट लेता है। नंबर 3, स्टार कनेक्शन में मोटर की वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन की तुलना में ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। नंबर 4, स्टार कनेक्शन में मोटर की स्पीड डेल्टा कनेक्शन की बजाय कम होती है। स्टार कनेक्शन का उपयोग हमें थ्री फेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तथा डेल्टा कनेक्शन का उपयोग थ्री फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी देखने को मिलता है। अभी हम जानेंगे कि किसी भी मोटर में स्टार कनेक्शन कब करना है और डेल्टा कनेक्शन कब करना है। यदि कोई भी मोटर 5 HP की रेटिंग से अधिक की है, यानी कि किसी भी मोटर की पावर रेटिंग 5 HP से ज़्यादा है, तो इस मोटर को पहले स्टार कनेक्शन में शुरू किया जाता है और फिर डेल्टा में, क्योंकि अगर सीधा हम डेल्टा कनेक्शन में चालू करेंगे तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। जबकि उन मोटरों के लिए जिनकी पावर रेटिंग 5 HP से कम है, उनको हम डायरेक्ट डेल्टा से चला सकते हैं। मोटर में डेल्टा कनेक्शन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ज़्यादा शक्ति और स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। स्टार कनेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब स्टार्टिंग करंट को कम करके मोटर को एक निश्चित गति में लाया जाता है और गति में आने के बाद स्टार्टर की सहायता से डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे मोटर की वाइंडिंग स्टार्टिंग हाई करंट से बच जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।